दोस्तों अगर आपके पास है Vivo V23 E5G मोबाइल और इस फोन में दोस्तों किसी भी ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको मोबाइल की अपने सेटिंग को ओपन कर लेना। जैसे ओपन हो जाए दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे को आना है, यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, सिक्योरिटी पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मिलेगा प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों अपना एक प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे 3636 करके यहाँ पे डाल देंगे और दोबारा से दोस्तों वही 3636 करके डाल देना है। जैसे देंगे दो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में अपना नाम जो इच्छा हो डाल सकते हैं। जैसे 7 यहाँ पे हमने डाल दिया, नीचे भी 7 डाल दिया, डन कर देंगे। ठीक है, जैसे डन हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे अब दोस्तों जिस ऐप पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना है वो ऐप अपना इस प्रकार से ले लीजिए। जैसे क्रोम ब्राउजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जिस ऐप पे आपको सिंपली लगाना है इस प्रकार से इनेबल कर देना है। और जैसे इनेबल कर देंगे यहाँ से एक बार बैक आ जाना है, एक बार और बैक आएंगे और यहाँ पे अब दोस्तों जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और अपना जो भी बटन वगैरह बना के रखा है उसे पहले यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और जैसे डाल देंगे दोस्तों यहाँ पे मिलेगा ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड फिंगरप्रिंट। अगर आपने स्क्रीन पर यहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं लगा के रखा है तो ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके अपना फिंगर ऐड कर लेना है। अगर पहले से लगा के रखा है स्क्रीन लॉक ओपन करने के लिए तो यहाँ पे प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसे इनेबल करना है और जो भी दोस्तों आपने प्राइवेसी पासवर्ड अभी बनाया था ऐप लॉक करते समय उसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना है। अब ये इनेबल हो जाएगा, आप सक्सेसफुली दोस्तों आपके ऐप्स पर फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। तो इस प्रकार से आप फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगा पाएंगे।